अरे वाह, इतनी सुंदर काम वाली, अब तो मजा आ गया। हाँ जी साहब, कोमल की जगह ना आज से काम पे मैं आऊंगी। तुम आओगी? क्यों, कोमल को क्या हुआ? उसकी ना तबीयत खराब है, मैं उसकी बहन हूँ, उसने मुझे भेजा है अपनी जगह। ओ अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, कोमल थोड़ा रेस्ट भी कर लेगी। वैसे मैंने भी उसे फोन किया था, फोन पिक नहीं कर रही, शायद हो सकता है गाँव में गई होगी ना तो नेटवर्क नहीं आ रहे। कोई नहीं, तुम अंदर आओ। ठीक है। इतना बड़ा घर है आपका, इतने बड़े घर में काम करना है मुझे? हाँ घर तो बड़ा ही है, बट तुम ना सब काम मत करना, तुम सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगा देना, क्योंकि घर तो ऑलमोस्ट साफ ही रहता है मेरा। ठीक है साहब। ठीक है, तुम काम कर लो फिर। साहब काम हो गया, मैंने बर्तन भी धो दिए और झाड़ू भी लगा दिया। इतनी जल्दी? साहब इतनी जल्दी कहाँ, 2 घंटे हो गए हैं पूरे। ओह अच्छा, हो सकता है मैंने टाइम ही नहीं देखा हो। ठीक है फिर, तुम चली जाओ बस। ठीक है साहब, मैं कल आ गई। साहब मैं आ गई। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं सीमा, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैंने तो आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। छुट्टी ले ली है? पर आपको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बाहर घूमने जा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। और सीमा तुम बाहर की खड़ी हो, अंदर आओ ना। साहब मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं ना आज सारा काम नहीं कर पाऊंगी, सच में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है क्या? कोई बात नहीं सीमा, तुम्हें आज घर का काम करने की ना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए दवाई और पानी लेके आता हूँ, ठीक है? ये लो पानी, ये दवा। अब तुम ना आराम से रेस्ट करो। लेकिन साहब घर का इतना सारा काम कैसे होगा? की टेंशन क्यों ले रही हो, घर का सारा काम आज मैं कर लूंगा, ठीक है? क्या आप सारा घर का काम कर देंगे? अरे हाँ हाँ, मैं घर का सारा काम कर दूंगा। अब तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है? ये लो खाना खा लो तुम। और खाना खाने के बाद ना मैंने इसमें मूवी लगा रखी है, तुम मूवी भी देख लेना, ठीक है? साहब बट सच में ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा लाओ फिर मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। साहब एक काम करते हैं, आप घर का सारा काम कर लो, मैं मूवी देख लेती हूँ। ठीक है, मैं सारा काम कर लेता हूँ फिर मैं आता हूँ, है ना? सीमा मैंने ना घर का सारा काम कर लिया है। आपने सारा काम कर दिया? हाँ मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अच्छा वैसे सीमा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए ना साहब, क्या बात करनी है? नहीं नहीं अभी नहीं बोलता, अभी बोलूँगा तो बेचारी और परेशान हो जाएगी, कल आराम से बैठ के बात करता हूँ उससे। कुछ नहीं, तुम आराम से घर जाओ, मैं कल करता हूँ, अभी तुम्हारी तबीयत भी खराब है ना। ठीक है साहब, फिर मैं घर जाती हूँ।
साहब आपको क्या बताऊं, मेरे साथ ना बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मेरे बैंक से ना 50,000 रुपए निकल गए साहब। मैं क्या करूं? 50,000 रुपए? हाँ साहब, मैं ना आपको यही बताने आई थी कि मैं ना गांव जा रही हूँ कर्ज उतारने के लिए। सीमा, अगर तुम गांव चले जाओगे तो तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? क्या I mean, मेरे घर पे काम कौन करेगा? साहब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको यही बताने आई थी साहब, मैं जा रही हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जो तन्नू के पैसे रखे ना मेरे पास, उसमें से 50,000 रुपए दे देता हूँ, और जब तन्नू मुझसे पूछेगी तो मैं बोल दूंगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया। हाँ सीमा देखो, तुम रो मत, तुम एक मिनट बैठो, मैं भी आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो। ये लो पूरे 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? साहब ये आपके पैसे मैं नहीं ले पाऊंगी, और साहब आप मेम साहब को क्या बोलोगे? नहीं नहीं साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। पैसे तो क्या, अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, तुम ये पैसे पकड़ो और जिस जिसका कर्ज है ना सबका कर्जा उतारो। लेकिन साहब, अरे तुम रखो ना, इतना क्या सोच रही हो? साहब आपने कल बोला था कि आपको मुझे कुछ बात करनी है। हाँ सीमा, मैं करने वाला था, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम बहुत परेशान हो ना, तो पहले कर्जा उतारो, उसके बाद जब कल आराम से आओगी ना, मैं बैठ के बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? ठीक है साहब, मैं जाती हूँ, धन्यवाद साहब। हेलो, नमस्ते साहब। माफ करना साहब, हम एक हफ्ते से काम पे नहीं आ पाए, वो ना फोन में बैटरी नहीं थी ना, तो आपको बता भी नहीं पाए, आपको बहुत दिक्कत हुई होगी ना साहब? अरे नहीं नहीं कोमल, दिक्कत क्या होगी, तुमने अपनी बहन को भेज दिया था ना, वो बहुत केयरिंग है, वो मेरी बहुत केयर करती है, तुम टेंशन मत लो। कौन कौन मेरी बहन? साहब मेरी जगह कोई नहीं आया है, हम कल से काम पे आ रहे हैं। हाँ क्या मतलब, जो पिछले 4 दिन से आ रही है वो तुम्हारी बहन नहीं है कोमल? लगता है साहब आपको किसी ने ना पागल बना दिया है। क्या 50,000 रुपए? मतलब मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया? हम मैं तन्नू को क्या जवाब दूंगा, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई।